सब्सक्राइब करिए एसआर मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटू वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी गाड़ी का आइडल आरपीएम कैसे सेट कर सकते हैं। फ्यूल इंजेक्टेड अगर आपकी बाइक है तो उसमें आइडल आरपीएम सेट होता है या नहीं होता, कुछ लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन फ्यूल इंजेक्टेड बाइक में आइडल आरपीएम सेट हो जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है आरपीएम मीटर है, इसका आइडल आरपीएम, जैसे मैं आपको अगर गाड़ी स्टार्ट करता हूं यहां पर न्यूट्रल करके, तो आपको इसका जो आइडल आरपीएम दिखेगा, ये जिस आरपीएम पे जो गाड़ी स्टार्ट है वो आरपीएम आइडल आरपीएम रहता है। ये लगभग 1500 के आरपीएम के आसपास स्टार्ट है गाड़ी। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप आइडल आरपीएम कैसे सेट कर सकते हैं फ्यूल इंजेक्टेड बाइक में। अब इसमें जो है कार्बोरेटेड बाइक से उल्टा केस रहता है। कार्बोरेटेड बाइक में आपने देखा होगा एक स्क्रू रहता है जिसमें आइडल आरपीएम को आप सेट कर सकते हैं उसी स्क्रू से। इसमें भी आपको स्क्रू मिल जाएगा और इसको सेट करने के लिए सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है, जो कि आपको यहाँ पर मेरे हाथ में दिख रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर चलना है, जो यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिखेगा, ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में आपको इस टाइप का एक स्क्रू दिखेगा जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, इस स्क्रू के, अब कार्बोरेटेड व्हीकल में क्या रहता है कि जो स्क्रू है इसको टाइट करोगे आप तो आइडल आरपीएम बढ़ेगा, लेकिन फ्यूल इंजेक्शन में क्या रहता है, इसको लूज करोगे तो आइडल आरपीएम बढ़ेगा और इसको टाइट करोगे तो आइडल आरपीएम कम हो जाएगा। ठीक है, अब यूज़र मैनुअल में लिखा रहता है कि आपकी गाड़ी में कितना आरपीएम जो है आइडल पे होना चाहिए। कंपनीज जो है बहुत कम आरपीएम रिकमेंड करती हैं, आप उससे आगे पीछे थोड़ा बहुत रख सकते हो जैसा कि आपको अपने सहूलियत की वजह से लगता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन गाड़ी को स्टार्ट करना है ये पता करने के लिए कि आरपीएम कितना है और कितना अपन को करना है। ठीक है, और इंजन साउंड सुन के भी अपन को आरपीएम समझ में आ जाता है। तो ये गाड़ी न्यूट्रल पे है, अभी मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इस आरपीएम स्क्रू को टाइट करता हूँ तो आरपीएम कम हो जाएगा। आपको इंजन साउंड सुन के समझ में आ रहा होगा ये बहुत कम हो गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब गाड़ी बंद हो जाएगी, इंजन स्टॉल हो जाएगा, लेकिन अपन वो पॉइंट आने नहीं देंगे और मैं इसको वापस लूज़ करूँगा तो आरपीएम बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बात आपको और बतानी है, वीडियो के एंड तक थोड़ा सा वेट करना। जैसे कि अपन ने आइडल आरपीएम अपन यहाँ पे सेट कर रहे हैं और यहाँ पर अपन इसको देख रहे हैं कि आरपीएम कितना है। अब जैसे मैं उधर से इसको लूज़ करूँगा हल्का सा तो आरपीएम बढ़ जाएगा। आपको जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, 1500 हो गया आरपीएम, 2000 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आरपीएम सेट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको जैसे कि दिख रही है कि इसमें अनस्टेबल आरपीएम की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अनस्टेबल आरपीएम है, तो अगर अपन इसको फिर से सेट करके देखते हैं तो आरपीएम को थोड़ा सा अपन को बढ़ाने की या कम करने की ज़रूरत है कि ये आरपीएम अनस्टेबल ना हो। थोड़ा सा आप चाहें तो इसको एक्सेलरेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आरपीएम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो जो आइडल स्क्रू है अपन उसको थोड़ा सा टाइट करेंगे इसको कम करने के लिए, तो ये एकदम स्टेबल आरपीएम आपको अचीव हो गया है यहाँ पर। अब एक बात ये है कि अगर आप कार्बोरेटेड व्हीकल में आरपीएम सेट करते हो तो उसमें गर्म होने के बाद गाड़ी का आरपीएम चेंज हो जाता है। ऐसे ही नॉर्मल इंजन्स, आईसी इंजन्स में, फ्यूल इंजेक्टेड व्हीकल में भी यही होगा। फ्यूल इंजेक्टेड बाइक जो होगी गर्म होने के बाद आरपीएम जो है फ्यूल इंजेक्टर खुद सेट करेगा, आप उस गर्म होने वाले टेम्परेचर नहीं सेट कर सकते। और एक बात और कि अगर आप मॉर्निंग स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या होगा, आरपीएम हो सकता है 2000 भी आ जाए, या अगर गाड़ी आपकी 1000 पे आइडल करती है 2000 आ जाए, 2000 पे आइडल करती है तो 2500 आ जाए। थोड़ा सा जो मॉर्निंग स्टार्ट रहती है उसमें इंजन आरपीएम थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो फ्यूल इंजेक्टर करता है, उस आरपीएम को आप नहीं छेड़ सकते। वो फ्यूल इंजेक्शन इसलिए करता है कि इंजन जो है स्टॉल ना हो, क्योंकि मॉर्निंग स्टार्ट में इंजन मतलब नया नया स्टार्ट रहता है, तो उस वजह से कभी कभी बंद होने के भी चांसेस रहते हैं, और बंद ना हो इसी वजह से फ्यूल इंजेक्शन आरपीएम बढ़ा देता है थोड़ा सा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो नॉर्मल आरपीएम आइडल आरपीएम है ये मैंने आपको सेट करके बता दिया है। एक बार और बता देता हूँ, स्क्रू को टाइट करोगे आप, ये जैसे आपको यहाँ पर स्क्रू दिखेगा, अगर आप इस स्क्रू को टाइट करोगे तो आरपीएम कम होगा और अगर इसको लूज़ करोगे तो आरपीएम बढ़ जाएगा। ठीक है, और कार्बोरेटेड व्हीकल में उल्टा केस है इसका। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरा आपको फ्यूल इंजेक्शन के आरपीएम, आइडलिंग आरपीएम से रिलेटेड सभी तरह की नॉलेज मिल गई होगी और समझ में आ गया होगा कि आप अपनी किसी भी बाइक में कैसे आरपीएम सेट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन विद फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़।